The question number 2, exercise 4.3. So in the given diagram, name the points. So हमें एक diagram दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इनके points जो हैं दिए हुए हैं. अब हमें क्या find करना है, in the interior of angle DOE. So interior of angle DOE जो है वो define करना है. Answer is A. आप बताते हैं कि इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF. सो एक हमें एंगल बनाना है, एक एंगल जो है पहचानना है, एंगल EOF. सो इसके एक्सटीरियर में मतलब कि इससे बाहर पॉइंट है वो हमें बताना है. सो इसके बाहर मतलब कि इस वाले एरिया में, यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट दिखेगा तो हमें वो बताना है पॉइंट. सो इसमें पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, एक होगा ए, जैसे कि सो ये है एंगल, ये है ई, ये ओ और ये एफ. ठीक है, यहाँ पर जो है डायग्राम में दे रखा है सी, ये है बी और ये है ए, और ये एक पॉइंट दिया हुआ है जो है डी. ठीक है, तो यही पॉइंट्स है हमारे पास पूरे डायग्राम में. सो बोलते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, EOF, EOF कहाँ से बन रहा है मेरे पास, EOF ये है. ठीक है, EOF. सो EOF तो ये बन गया, बट इसके एक्सटीरियर में यानी कि इसके बाहर जो भी पॉइंट्स हैं वो मुझे बताने हैं. इसके बाहर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसके बाहर है पॉइंट सी. ठीक है, EOF के अंदर नहीं है, और क्या है, D पॉइंट भी इसके बाहर है और A पॉइंट भी इसके बाहर है. सो इसका आंसर क्या होगा, A, C एंड D. ये जो पॉइंट्स हैं ये आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF. प्रेफर करते जाइए क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि अब हमें पॉइंट बताना है ऑन एंगल EOF. EOF ये जो है EOF, इस पे एक पॉइंट बताना है, तो इसके ऊपर जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं? देखिए ये F का पॉइंट है, ये O का है, ये B का है और ये E का है. सो अब आपको बताना है ऑन एंगल EOF पॉइंट्स आपको बताने हैं. सो ये कौन कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे, एफ भी है इसके ऊपर, ओ है, बी है एंड ई. सो ये चारों पॉइंट्स जो हैं ऑन एंगल EOF है. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2.